वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगत श्याम। मिश्रा स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 5 देखेंगे, जो कि चैप्टर नेम है 1 2 3, यानी इसका मतलब हुआ 1 2 3। तो ये सबसे पहले जो है इसका कुछ वार्मर में देख लेते हैं कि क्या दिया गया है, और उसके बाद फिर हम जो है इस चैप्टर में क्या बताया गया है इस चीज़ के बारे में भी देखेंगे जानेंगे। पहला नंबर देखिए, जैसे दिया गया है, सम पीपल यूज़ देयर बॉडी लैंग्वेज, यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने बॉडी का लैंग्वेज करते हैं, जैसे कि जो है बॉडी लैंग्वेज का उपयोग करते हैं, जैसे कि फिंगर का उपयोग करते हैं, आइज़ यानी आँख का उपयोग करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन यानी कि अपना जो है चेहरे का जो एक्सप्रेशन होता है प्रभाव, वो चीज़ को दिखाते हैं। किस लिए? टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। हैव यू मेट सच पर्सन, क्या आप कभी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं? इफ़ येस, यदि हाँ तो वेयर डिड यू मीट देम, आपने उनसे कहाँ मिला था। ये चीज़ जो है पहला नंबर में दिया गया है ताकि जो है बच्चे उत्सुक हो जाए कि जो है आखिर इस पार्ट में क्या दिया गया है। नेक्स्ट है, डिड यू गेट ए चांस टू इंटरेक्ट विथ एनी वन ऑफ देम, कराए क्या आपने कभी, आपको कभी कोई चांस मिला है टू इंटरेक्ट करने के लिए विथ एनी वन ऑफ देम, यानी किसी एक के साथ। हाउ डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं? पर्सन्स कम्युनिकेट विदाउट ह्यूमन लैंग्वेज, यानी कि व्यक्ति जो है बिना जो है ह्यूमन लैंग्वेज का, मानव के भाषा का, मानवीय भाषा के जो है कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि वार्तालाप करते हैं। दैट मीन्स कहने का तात्पर्य यह है कि बिना बोले जो है फेशियल एक्सप्रेशन के जरिए वे अपनी भाषा को कम्युनिकेट करते हैं। तो ये जो 2 पॉइंट था इसमें मैंने आपको बताया। अब आगे हम लोग बुक के माध्यम से जानते हैं इस बुक में क्या बताया गया है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, थोड़ा सा देख लीजिए पिक्चर यहाँ पर। अब हम आगे बढ़ते हैं कहानी को लेते हुए। यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं कि वंस देयर वाज अ रिच एंड पावरफुल किंग, यानी एक समय की बात है, एक राजा था जो बहुत ही शक्तिशाली था और अमीर भी था। ही थॉट दैट, उसने सोचा कि नो वन इन द वर्ल्ड, यानी कि इस दुनिया में कोई नहीं है, वाज एज पावरफुल एज ही वाज, जितना वह शक्तिशाली था उतना शक्तिशाली जो है इस वर्ल्ड में कोई नहीं है, ऐसा राजा का विचार था। बट ही टोल्ड नो वन अबाउट इट, लेकिन जो है राजा ने इस चीज़ के बारे में किसी से नहीं कहा। वन डे, एक दिन की बात है, ही बिगैन टू वॉन्डर वेदर अदर कुड गैस वाट ही वॉज थिंकिंग, यानी एक दिन जो है राजा के मन में यह उत्सुकता जगी कि चलो देखते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो कि हमारे सोच का सही सही अनुमान लगा सके। सो ही कॉल्ड ऑल हिज ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स एंड आस्क देम टू टेल हिम वाट थॉट वाज इन हिज हार्ट, इसलिए जो है उन्होंने क्या किया कि जो है अपने सारे ऑफिसर्स और सारे नौकरों को बुलाया और कहा उनसे कि वाट थॉट वाज इन हिज हार्ट, उनके मतलब जो है दिल में क्या है बताने के लिए। मैनी ऑफ देम मेड गैसेस, यानी कि जितने भी लोग एकत्रित थे उस दरबार में, सारे के सारे ने जो है गैस किया। बट नो वन कुड सेटिस्फाई, लेकिन जो है कोई जो है सेटिस्फाई नहीं कर सका, राजा को संतुष्ट नहीं कर सका द किंग विथ हिज आंसर, अपने उत्तर के जरिए। देन द किंग ऑर्डर्ड हिज मिनिस्टर, तब जो है राजा ने क्या किया, अपने मंत्रियों को एक ऑर्डर दिया यानी आज्ञा दिया टू फाइंड समवन, ऐसे व्यक्ति का पता लगाने के लिए, हु कुड गैस हिज थॉट, जो उसके थॉट का यानी विचार का अनुमान लगा सके। ही गेव द मिनिस्टर एग्जैक्टली अ मंथ्स टाइम, और जो है राजा ने अपने मिनिस्टर को एग्जैक्टली सही सही जो है 1 महीने का समय दिया टू फाइंड दैट पर्सन, ऐसे व्यक्ति का पता लगाने के लिए। द मिनिस्टर सर्च्ड एवरीवेयर, यानी कि मंत्री जो था उसने पूरा सर्च किया, हर जगह किया, खोजा। बट ही कुड नॉट फाइंड एनी वन, लेकिन वह ऐसे व्यक्ति को नहीं खोज सका, नहीं ढूंढ सका। हु कुड गैस द थॉट्स इन द किंग्स माइंड, यानी कि राजा के दिलो दिमाग में, यानी कि दिल में क्या सोच था या क्या उनका विचार था, ऐसे व्यक्ति का पता लगाने में वह असमर्थ रहा। एज द मंथ वॉज कमिंग टू अ क्लोज, जैसे जैसे मंथ बीत रहा था, यानी कि जब माह जो है नज़दीक आ गया, क्योंकि उस दिन उसको राजा को जो है उस व्यक्ति को हाजिर करना था, सॉरी मंत्री को हाजिर करना था राजा के सामने। द मिनिस्टर बिकेम क्वाइट डिस्पैरिट, यानी कि अब मंत्री थोड़ा सा उदास हो गया। बट हिज डॉटर चीयर्ड हिम अप बाय सेइंग दैट
लेकिन उसकी जो पुत्री थी उसने थोड़ा उत्साह दिलाते हुए उसे कहा दैट कि शी वुड फाइंड द राइट मैन फॉर द जॉब, यानी कि वह जो है पता लगा लेगी ऐसे व्यक्ति का इस जॉब के लिए। ऑल राइट, ठीक है, लेट्स सी, चलो देखते हैं व्हाट यू कैन डू, तुम क्या कर सकती हो, सेड द मिनिस्टर, मिनिस्टर ने कहा। अब आगे हम लोग देखते हैं, व्हेन द अपॉइंटेड डे अराइव्ड, यानी कि जब हाजिर करने का समय आया, द मिनिस्टर्स डॉटर बाउट होम अ फूल, तो मिनिस्टर की जो पुत्री थी उसने क्या किया कि एक मूर्ख को अपने घर ले आया। द मैन वॉज अ शेफर्ड इन देयर फार्म, यानी कि वह जो आदमी था वह एक शेफर्ड था, गरेड़िया था, जो कि अपने फार्म में जो है भेड़ चराया करता था। द यंग वुमेन आस्क्ड हर फादर टू टेक द शेफर्ड टू द किंग, द उस लड़की, वह जो लड़की थी मिनिस्टर की पुत्री जो थी उसने जो है कहा अपने पिता से कि जो है आप पिताजी से ले जाइए राजा के लिए। द मिनिस्टर वॉज शॉक्ड, यानी राजा जो मिनिस्टर था वह बहुत ही शॉक हुआ, यानी कि एक तरह से उसको सदमा लगा, एट हिज डॉटर्स चॉइस, अपने डॉटर की चॉइस पर जो उन्होंने चुनाव किया था उसकी पुत्री ने। बट सिंस ही ट्रस्टेड हिज डॉटर, लेकिन शीघ्र ही जो है उसने अपनी डॉटर पर विश्वास कर लिया। ही टुक द शेफर्ड टू द किंग्स कोर्ट, और जो है उसने उस शेफर्ड को किंग्स के यानी राजा के दरबार में ले गया। द कोर्ट हैड ऑलरेडी असेंबल्ड, यानी सभा पहले से ही लग चुकी थी। द मिनिस्टर प्रेजेंटेड द शेफर्ड, यानी कि मिनिस्टर ने जो है शेफर्ड को वहाँ पर उपस्थित किया, टू द किंग, यानी किंग के सामने। व्हेन द शेफर्ड लिफ्टेड हिज आइज टू लुक एट द किंग, जब जो है शेफर्ड ने उठाया हिज आइज अपनी आँखें टू लुक एट द किंग, राजा को देखने के लिए, द किंग हेल्ड अप वन फिंगर, तब राजा ने जो है एक फिंगर उठाया। एट दिस द शेफर्ड हेल्ड टू फिंगर, तो उसी समय शेफर्ड ने जो है दो फिंगर को उठाया। देन द किंग हेल्ड अप थ्री फिंगर, तब जो है राजा ने तीसरे फिंगर को उठाया। बट एट दिस द फूल शॉक्ड हिज हेड वायलेंटली एंड ट्राइड टू रन अवे, और उसने जो है जो मूर्ख था वह जो है एक तरह से उसको धक्का लगा और वह जो है वायलेंटली, मतलब जो है एक तरह से यह यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वह बहुत जो है क्रुद्ध हो गया। एंड ट्राइड, और कोशिश किया टू रन अवे, वहाँ से भाग जाना। द मिनिस्टर कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड, और मिनिस्टर जो था वह नहीं समझ सका कि आखिर हुआ क्या। ही बैग्ड द किंग टू एक्सप्लेन थिंग्स टू हिम, यानी कि उसने जो है राजा से क्षमा प्रार्थना किया, यानी प्रार्थना किया कि जो है बताने के लिए वो जो एक्चुअल थिंग्स हुआ था उसके साथ वो चीज़ के लिए को बताने के लिए उन्होंने जो है मिनिस्टर ने जो है राजा से प्रार्थना किया। तो राजा ने कहा इस पर कि व्हेन आई हेल्ड अप वन फिंगर, जब मैंने एक फिंगर उठाया, सेड द किंग, राजा ने कहा, आई आस्क्ड द मैन वेदर आई अलोन वाज किंग, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये था, राजा ऐसा बताता है मिनिस्टर को कि मैं अकेला था, मैं अकेला ही राजा हूँ। बाय होल्डिंग अप टू फिंगर, दो फिंगर को उठाते हुए, ही रिमाइंडेड मी, उन्होंने जो है यानी जो मूर्ख था गरेड़िया उसने मुझे रिमाइंड किया, याद दिलाया दैट कि देयर इज ऑल्सो गॉड, यानी कि आपके जितना पावरफुल शक्तिशाली गॉड भी है, हु इज एटलीस्ट पावरफुल एज आई एम, यानी कि उसका कहना ये था कि जितना मैं शक्तिशाली हूँ उतना वह भी शक्तिशाली है। देन आई आस्क्ड हिम वेदर थ्री, जब मैंने जो है तब आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे कहा वेदर थ्री यानी कि तीसरे फिंगर को उठाते हुए वाज अ थर्ड, एंड ही स्ट्रांगली डिनाइड द एक्सिस्टेंस ऑफ थर्ड, और उसने जो है इनकार कर दिया मजबूती पूर्वक कि तीसरे के होने का। दिस मैन रियली रीड माई थाट्स, वास्तव में जो है उस व्यक्ति ने मेरे विचारों को पढ़ लिया। आई हैव बीन थिंकिंग दैट, मैं सोचता रहा दैट कि आई अलोन वाज पावरफुल, मैं ही शक्तिशाली था। बट ही हैज़ रिमाइंडेड मी, लेकिन उसने मुझे याद दिलाया दैट देयर इज ऑल्सो गॉड, भगवान भी जो है पावरफुल है आपके तरह ही, बट नो थर्ड, लेकिन तीसरा कोई शक्तिशाली नहीं है। तो इस तरह से जो है क्लास एट का मैंने जो है एक्सरसाइज मतलब लेसन जो है 5 बताया, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य कीजिए, इस तरह का सिलसिला चलता रहेगा हमारे द्वारा। और यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट में डाउट है या पढ़ने की इच्छा है तो आप मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं उसका वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं। तो आज अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ किसी और दिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।